का ये कार्यक्रम जो है ये हमारे पूरे प्रदेश से लेकर के मंडल स्तर तक का प्रदेश कार्य समिति से के बाद में जिला कार्य समिति और जिला कार्य समिति के बाद में मंडल कार्य समिति, हमारे जो प्रदेश में जितने भी प्रस्ताव पास होते हैं, प्रदेश में जिस प्रकार से योजना सरकार चला रही है और इस कोविड के माध्यम से कोविड के समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने क्या क्या किया उसके विषय में हमारे प्रदेश कार्य समिति में विषय आते हैं और उस विषय को लेकर के जो वहाँ पर जो प्रस्ताव पास हुए वो प्रस्ताव हमारे जिला स्तर पर भी पास होते हैं और जिला से लगा करके मंडल के स्तर पर भी होते हैं, वही प्रस्ताव आज यहाँ पर पास हुए। और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है और कार्य आम कार्यकर्ताओं तक जिस प्रकार से हमारे नगर निगम हुए तो 3 महीने में उनकी मीटिंग होती है, इस प्रकार से हर मीटिंगें जो चलती है उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की अपने कार्यकर्ताओं की कार्य समिति होती है, राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद में प्रदेश कार्य समिति, प्रदेश के बाद में जिला कार्य समिति और जिला कार्य समिति के बाद में मंडल कार्य समिति, और मंडल कार्य समिति के साथ में इसके नीचे भी अगर जाते हैं तो हमारी स्थानीय कार्य समिति तक के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन होते हैं। उसी श्रृंखला में आज का ये राहु मंडल का सम्मेलन था और इस सम्मेलन में हमारे वक्ता लोगों ने अपने विचार रखे और जो प्रदेश से जो विषय जो पास हुए जो हमारे प्रस्ताव थे उन प्रस्तावों को यहाँ पर पास किया। आज हमारी राव मंडल की कार्य समिति की बैठक चल रही है, सभी को ध्यान में है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल होने के कारण और कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण कार्यकर्ताओं का निरंतर प्रशिक्षण यह हमारी परंपरा का हिस्सा है। उस आधार के ऊपर राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश और जिला स्तर पर जो भी पूरे देश भर में कार्यक्रम और विषय तय होते हैं उन सभी विषयों को लेकर के नीचे की कार्य समिति या मंडल कार्य समिति को भी प्रशिक्षित करना, उनका मार्गदर्शन करना ये उसका एक हिस्सा है। और उसी नाते आज हमारी इस मंडल की कार्य समिति की शुरुआत हो रही है, पूरे जिले के 15 मंडलों में ही इसी प्रकार की कार्य समितियों की बैठक होकर के कार्यकर्ताओं के निर्माण की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो एक व्यापक परिवर्तन करना है, देश को जो महान बनाना है, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता आगे बढ़ सके उसी दिशा में कार्य समिति हो रही है। आगामी जो भी हमारे कोई नए कार्यक्रम संगठन की तरफ से आते हैं उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना है कि संगठन द्वारा जो भी कार्य दिए जाते हैं उसको अच्छे तरीके से करे जाए संगठन में। आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं को, किस तरीके से अपन प्रेरणा दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी राव मंडल की कार्य समिति के बैठक में हमारे वरिष्ठों ने कार्यकर्ताओं को आगामी किस प्रकार से संगठन की गतिविधियों का संचालन होगा उसके प्रति निर्देशित किया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए, जो कोविड से संबंधित प्रस्ताव पारित हुए उनका वाचन कर कार्यकर्ताओं को उसकी भी जानकारी दी गई। पुरानी जो केंद्र में जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी और उसके बाद शिवराज सरकार के आने के बाद जो नीतिगत निर्णय लिए गए मध्य प्रदेश में उनके प्रति कार्यकर्ताओं की संचेतना का विषय भी आज की इस बैठक में रखा गया है। हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष राजेश, हमारी भारतीय जनता पार्टी राव मंडल की कार्य समिति को इस कार्य समिति में सभी कार्यकर्ताओं के साथ में आज जो माननीय प्रदेश संगठन ने हमारे जो निर्देश दिए थे कि हमारी जो भी आगामी कार्य योजना है उस पर कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा करना और इसके पूर्व में जो कार्यक्रम हुए थे उनकी समीक्षा, तो आज विस्तृत चर्चा सभी कार्यकर्ताओं के बीच में हुई और आगामी कार्य योजना भी तैयार हुई। आगामी कार्य योजना हमारा जो मंडल है वो मंडल स्वावलंबी मंडल हो, हमारा बूथ जो है स्वावलंबी बूथ हो, इस पर योजना बनाकर हर कार्यकर्ता अपनी पूरी क्षमता के साथ में काम करे, इसी पर आज हम सब ने फोकस करके सब चर्चा की और योजना बनाई। आगे के लिए मतलब क्या तैयारियां हैं कि कार्यकर्ताओं के जो सुझाव होंगे उसको आप किस तरीके से प्रेरित करना चाहेंगे? निश्चित रूप से संगठन की जो मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी जो अब आने वाले जो कार्यक्रम हैं वो बूथों पर केंद्रित कार्यक्रम आने वाले हैं, इसलिए मेरा बूथ सबसे मजबूत की योजना को हम सतत चलाने वाले हैं, मतलब इसको एक मंत्र की तरह हम काम करने वाले हैं, इसको सिर्फ नारा नहीं बल्कि यथार्थ में उतरे, इसके लिए हमने सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा की और सभी कार्यकर्ताओं से हमने आग्रह काम करने की हमको आवश्यकता है कि हमारे बूथ का बैंक हम बनाएं, उसके उसमें हमारे बूथ पर निवास करने वाले प्रत्येक मतदाता की पूरी का पूरा डाटा हमारे पास में हो और उसी पर हम जो हमारे को सुझाव आए हैं अभी कार्यकर्ताओं से उस कार्यकर्ताओं के सुझावों को लेकर उसी की योजना बनाकर प्लान करके उस पर हम काम करें। ये हमारी पद्धति है पार्टी की, आज मंडल की कार्य समिति थी, जिले की कार्य समिति होती, प्रदेश की होती, देश की होती है, तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके जो योजना केंद्र में बनती है वो नीचे तक ले जाने का काम
भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में होता है, हमारे राजनीतिक प्रस्ताव उसमें पारित होते हैं, उनका समर्थन होता है। जो कोविड के समय में जो परिस्थितियां प्रदेश में देश में निर्मित थी उनको कैसे निपटा गया, इन सभी विषयों को लेकर के सारे विषयों का समावेश होता है। कार्यकर्ताओं के साथ मिलना जुलना हो जाता है, पारिवारिक भाव से पार्टी को चलाने का एक मैसेज है। राजेश भैया का कार्यकाल बहुत प्रेरणादायक है, वो संगठन पे जोर ज़्यादा देते हैं, वो हर कार्यकर्ता को गंभीरता से और ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को लेकर चलते हैं। उनकी जो कार्यप्रणाली हमने अभी तक देखी वो सिस्टमेटिक कार्यप्रणाली पर वर्क करते हैं, वो सभी विभागों को अपने अपने दायित्व प्रभावित करते हैं और उसकी बाकायदा वो रिपोर्टिंग्स लेते हैं। तो एक ये सॉर्ट ऑफ जैसे हम मैनेजमेंट में वर्क करते हैं वैसे ही उनका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है और उनके कार्यकाल के लिए ये बहुत उपयोगी है कि उनका इसी तरह संगठनात्मक और ग्राम पंचायत ये सभी बैठकें वो खुद अटेंड करते हैं तो और हर कार्यकर्ताओं को इम्पोर्टेंस देते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जिला अध्यक्ष के लिए वो अपने हर कार्यकर्ताओं को इम्पोर्टेंस दें, तो राजेश भैया में ये खूबी अत्यंत महत्वपूर्ण है और संगठनात्मक रूप से वो पूरे संगठन पे खुद नज़र रखते हैं। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो हमारे पूर्वज मंत्री वगैरह थे उन्होंने जो सहज के पार्टी को उभारा है तो इसी तरह बनाए रखे और भविष्य में आगे भी अच्छी तरीके से बनाए, जो देश पर राज करा है वो दुनिया पर आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा राज करने की ये संभावना। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश जी सोनकर जब से बने हैं, जब से चरैवेति चरैवेति जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है उसी के उद्देश्य को लेकर आज हमारे रऊ मंडल ग्रामीण की बैठक आज कार्य समिति जो थी, इस कार्य समिति की बैठक से हमने ये पाया कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने इस कोरोना काल में क्या भूमिका रही और उस भूमिका के साथ सेवाई संगठन के माध्यम से क्या लोगों तक सेवा पहुंची, उस कार्य को युवाओं को बताने के लिए, महिलाओं को बताने के लिए, बुजुर्गों को बताने के लिए और मतदान केंद्र तक सरकार की योजना कैसे पहुंचे उस उद्देश्य को लेकर आज हमारी मंडल की कार्य समिति थी और हमारे सक्रिय अध्यक्ष राजेश जी सोनकर साहब पूरे। मैं यही कहना चाहूँगी कि युवाओं को मतलब अपने देश के लिए अपने मोदी जी की जो भी उनकी विचारधारणाएँ उनको फॉलो करना चाहिए और उसी विचारधाराओं के साथ में अगर अपन काम करते हैं तो अपना देश बहुत अच्छा देश बनेगा, एक बहुत अच्छा राष्ट्र है और इसको और अच्छी उन्नति करने के लिए युवाओं को अपने ओर से अपने बुजुर्गों के विचारधाराओं के साथ में चलेंगे तो और बढ़िया काम रहेगा उसमें।